हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी है। जो भी भाई बहन लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, उनको मैं और भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला हूँ। ऐसे भी भाई, जितना हो सकता है मुझे, मैं आप लोगों को भी सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन फ्रेंड, आज से इस वीडियो में भी मैं इस वीडियो के द्वारा ऐसे कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जिससे आप लोगों को स्पेशली मैं किसी भी एक या दो भाई को बहुत ज़्यादा ही मैं सपोर्ट करने वाला हूँ हर एक वीडियो में। क्योंकि फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक कोड भी देने वाला हूं, तो इस कोड को मेरे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट आप कर दीजिएगा। तो जो भी अगले वीडियो में जो भी विनर बनेंगे, मैं रैंडम कमेंट पिकर के द्वारा मैं वो विनर को सिलेक्ट करने वाला हूं। जो भी विनर बनेंगे, और वीडियो को आपको फ्रेंड्स प्लीज कंप्लीट आपको देखना पड़ेगा, तभी जाके आप विनर बन सकते हो। अगर आप विनर बनते हैं तो आपकी जो चैनल की लोगो है वो मेरी दूसरी वीडियो में मैं बात करूंगा आपके चैनल के बारे में, और आपकी जो चैनल की जो लिंक है वो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगले आने वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जरूर शेयर करूंगा। और मेरी जो फैंस लोग हैं, जो दोस्तों हैं, सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको भी सपोर्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और मैं खुद जाके आपके वीडियो में भी वॉच टाइम देने की मैं बहुत ज्यादा फ्रेंड्स कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स, हम लोग जो वीडियो बनाते हैं ना, वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है क्वालिटी। अगर आप एक क्वालिटी वीडियो बना सकते हो ना, तो बहुत लोग आपके वीडियो को ज़्यादा भी देखते हैं, और अगर नॉलेजेबल वीडियो होता है तो आपको लोग सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी वीडियो की जो क्वालिटी होता है उसमें इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें होता है। आपकी कैमरा कैसा है, आपकी बैकग्राउंड कैसा है, या फिर आप किस सराउंडिंग में आप वीडियो बनाते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आपकी जो वॉयस क्वालिटी है। वो आपकी वॉयस अगर अच्छी तरीके से जो भी सामने है उन्हें अगर समझ में नहीं आता आप क्या बोल रहे हैं, तो आपकी वीडियो वो ज़्यादा नहीं देखेंगे, आपको सपोर्ट भी नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ कि किस तरीके से बिना एडिटिंग के, जैसे मैं भी जो वीडियो बनाता हूँ, जो मेरे वॉयस क्वालिटी जितना भी भाई आता है, अच्छा या बुरा वो तो आप ही बता सकते हो, लेकिन जितना ही आता है, मैंने किसी भी वीडियो पर अपनी जो वॉयस है उसको मैं एडिट में कभी नहीं करता हूँ। बिना एडिटिंग के साथ मैं वॉयस जो वीडियो में शूट होता है उसी वॉयस के साथ मैं वीडियो को मैं दे देता हूँ, अपलोड में कर देता हूँ। तो ऐसे कुछ अच्छा आ जाता है। तो मैं आज की इस वीडियो पे आपको ऐसे तीन या चार में टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ, जो अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बिना एडिटिंग के भी आपकी जो वॉयस क्वालिटी है भाई वो बहुत अच्छा होने वाला है, जो मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। और मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूँ, इस जो भी पॉइंट बताऊँगा इसमें तीसरी और चौथी जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिले। फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना। सबसे पहली जो पॉइंट है भाई आपको ध्यान में रखना है, सारे पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली पॉइंट के बारे में बात करते हैं, आप अगर भाई बिना माइक के अगर आप वीडियो को रिकॉर्ड करते हो तो अच्छा वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगा। और मार्केट में जो भी सस्ते में जो भी माइक मिलता है आपको 300 या 400 रुपये में, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा वो माइक आप मत खरीदे। क्योंकि पहले मैंने ऐसा भी माइक खरीदा है, बिल्कुल बकवास का जो है यहाँ पे आता है, रिकॉर्ड बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं होता। तो आप थोड़ा पैसा जुगाड़ करके आप यहाँ पे 800 या फिर 900 या 1000 हो सकता है जुगाड़ करके आप एक बोया का जो माइक है, जो ओरिजिनल माइक जो है वो आप ख़रीद लीजिए। और ऐसा और भी अच्छा क्वालिटी का माइक आता है, आप वैसे माइक खरीदिए, लेकिन अच्छा से एक माइक आप ज़रूर खरीदिए, क्योंकि आप लाइफ टाइम यहाँ पे काम करोगे। और एक बात आप ध्यान रखना, हमेशा जब भी आपकी माइक को आप सेट करोगे ना, तो आपकी जो फेस है उससे आप यहाँ पे 4 या 6 सेंटीमीटर दूर ही आप माइक को सेट करना। इससे क्या होता है, आपकी जो वॉयस है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से माइक कैप्चर कर पाती है, और बाहर की जो भी नॉइज है ना दोस्तों, वो बहुत कम आपकी वीडियो में यहाँ पे आती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगर आपके मोबाइल में वॉया की जो माइक है वो सपोर्ट नहीं करता, तो आपकी मोबाइल की सेटिंग में आप जाओ, वहाँ पे जाकर जो एक्सटर्नल जो साउंड क्वालिटी, एक्सटर्नल जो माइक का जो सपोर्ट का ऑप्शन है उसको आप यहाँ पे जरूर एनाबल करो, तो आपको ज़रूर सपोर्ट करेगा। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, जो भी ओपन कैमरा जो कैमरा एप्लीकेशन है वो यूज़ नहीं करते, आप उसको यूज़ करो, और उसकी जो माइक सेटिंग का जो ऑप्शन है एक्सटर्नल माइक, वहाँ पे जाके आप इसको सेट करो, तो बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों ये हो जाएगा, आपका जो वॉइस है वो रिकॉर्ड बहुत अच्छी तरीके से होगा। अभी फ्रेंड्स, दूसरे चीज़ के बारे में बताता हूँ। देखो, बहुत लोग क्या करते हैं भाई, जब कैमरा के सामने जब
आता है ना, तो कैमरे की एक फियर रहता है। आप अगर 6 महीने 7 महीने, बहुत लोग ऐसे साल भर हो चुका है फिर भी कैमरे के सामने जब आते हैं तो डरते हैं। जो भी बोलना है कैमरे के सामने, ऑटोमेटिकली जो स्पीड है बोलने का वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। कैमरे के सामने सही तरीके से बोल नहीं पाते और बहुत जल्दी जल्दी बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलने लगते हैं या फिर बहुत लोग बहुत धीरे से बोलने लगते हैं। अपनी जो नेचुरल जो बोलने की जो तरीका है उस तरीके से वो लोग नहीं कह पाते। इससे क्या होता है, आपकी जो माइक है उस पर भी आपकी जो वॉयस है वो सही तरीके से यहाँ पे नहीं आता और आपकी जो नेचुरल जो वॉयस है दोस्तों वो वॉयस रिकॉर्ड नहीं होता है। आप बहुत जल्दी जल्दी बोलने लगते हो, बहुत स्पीड हो जाता है आपका बोलने का, बहुत स्पीड से बहुत ज़ोर से बोलने लगते हैं। तो इस तरीके से आप मत कीजिए, हमेशा आपकी जो नेचुरल जो वॉयस है उस पर ही आप बात करो, वही सबसे अच्छा होता है और यह अगर रिकॉर्ड होता है ना तो बहुत अच्छा, सामने वाले जो भी आपकी जो ऑडियंस है वो भी अच्छे तरीके से आपकी बात को समझ लेते हैं। अभी फ्रेंड्स तीसरे जिस पॉइंट के बारे में बात करता हूं, ध्यान से आप इसको सुनिएगा। आप जब भी किसी भी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो क्यों ना बनाते हो, आपकी जो सामने वाले जो ऑडियंस है वो सही तरीके से फ्रेंड्स आपकी जो बोल रहे हैं आप वो चीज़, वो आपकी जो पूरा सेंटेंस है वो अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो आपके वीडियो वो देखेंगे क्यों। इस पर आपको ध्यान देना है, कैमरा की फेयर होता है, इसके सामने आप जब बोलते हो तो बहुत दुख, मैंने पहले ही कहा है कि बहुत जल्दी जल्दी बोल देते हैं, पूरा सेंटेंस को कंप्लीट नहीं करते। जैसे आपको दिखाता हूँ, हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आप बात करूंगा ये तो इस तरीके से बहुत जल्दी से बोलते हैं और क्या बोल रहा है इसमें ठीक अच्छे तरीके से सुनाई भी नहीं देता और इनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। अगर आप बिल्कुल क्लियर सेंटेंस में अगर आप बात करोगे, बिल्कुल जो आप बोलना चाहते हो आप थोड़ा धीरे से बोलो, आपकी जो नेचुरल तरीका है वो आप बोलो, उससे आपको आप ऑफ कैमरा में, जैसे आप कैमरा को अगर ऑफ कर लेते हो तो आप आपकी घर में घर के जो लोग हैं या फिर आपके जो दोस्त हैं उनके साथ जिस तरीके से आप बात करते हो उसी को आप जब कैमरा में आप ऑन करते हो शूट करते हो तो इस तरीके से आप बात करने की कोशिश करो। इससे आपको फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। सबसे पहला, आपकी जो माइक है वो अच्छी तरीके से आपकी जो वॉयस है वो बिल्कुल क्लियर रिकॉर्ड करेगा और सामने वाला आपकी जो सेंटेंस है बिल्कुल क्लियर है तो सामने वाला जो ऑडियंस वो अच्छी तरीके से आपकी बातों को समझ पाएंगे और आपके जो समझाने के तरीका है फ्रेंड उसको भी आप थोड़ा सही करो। इससे क्या होगा, आप अगर धीरे धीरे बोलोगे और बिल्कुल क्लियर सेंटेंस में बोलोगे तो आपकी जो माइक है वो बिल्कुल आसानी से कैप्चर करेगा और अच्छा एक वॉयस क्वालिटी के साथ आपकी सामने दूसरे को सामने यहाँ पे प्रेजेंट करेगा। अब मैं और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो चौथी पॉइंट के बारे में बात करता हूँ, आपने वीडियो शूट किया, मानो आपने क्लियर आप वीडियो में कहना चाहा तो आपका वीडियो बिल्कुल स्लो हो गया, आप बिल्कुल धीरे धीरे बोलने लगे और धीरे धीरे क्लियर क्लियर बातें आप यहाँ पे करने लगे तो इससे क्या होगा, आपकी वीडियो बहुत स्लो हो सकता है। आप जब आपके वीडियो में एडिटिंग करने जब आप जाओगे फ्रेंड्स, काइनमास्टर के बहुत ज़्यादा लोग काइनमास्टर से यूज़ करते हैं तो यहाँ पे जाने के बाद आपको एक स्पीड का ऑप्शन आपको मिलता है, कैसे आप अपने पिच को सही रख के आपके वीडियो की स्पीड को आप कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं एक वीडियो दे दूंगा जो मैंने वीडियो बनाया, बहुत आसानी से आपकी स्पीड को, पिच को, बिल्कुल रोबोटिक पिच नहीं होगा, आप बिल्कुल बहुत आसानी से आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ कर सकते हो। तो आपकी जो वॉयस अगर बिल्कुल स्लो हो जाता है तो उसको आप थोड़ा इंक्रीज़ भी कर सकते हो, थोड़ा बढ़ा भी सकते हो। तो काइनमास्टर में जाके बहुत आसानी से ये चीज़ आप कर सकते हो। जो जो पॉइंट्स मैंने बताया फ्रेंड्स, ये चारों पॉइंट को अगर ध्यान में रखते हुए आप अगर एक वीडियो को शूट करोगे तो बहुत अच्छा वॉयस क्वालिटी के साथ फ्रेंड्स आपकी वीडियो शूट होगा और सामने वालों को भी सुनने में भी आपकी जो वॉयस है बहुत ही मधुर लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको सपोर्ट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मन करेगा। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो यार एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, इससे हमें मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा मिलता है ताकि आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलता रहे। और दोस्तों सपोर्ट ज़रूर करना और अगले वीडियो में मैं ऐसे एक विनर को जो घोषित करूंगा फ्रेंड्स उनको भी जाके आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले इंडस्ट्री वीडियो में, तब तक अगले भाई को दीजिएगा इजाजत। जय हिंद।